Hey guys, how are you? This week, last weekend, we went to a resort on the Palm called Zabil Sarai. This is the way to the resort. तो आप खुद ही से सोच लो कि कितना खूबसूरत resort से view होगा. It was a beautiful, beautiful weekend. I wanted to share the snippets with you. अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने friends के साथ share कीजिएगा और उनको भी दिखाइएगा कि दुबई के resorts कैसे होते हैं. It was for my birthday, so the HBD. रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? दिस इज़ मारिया अथर फ्रॉम द बुटीक वन. मैंने आज अपनी तस्वीर लगाई थी जिसमें मैंने एक सूटकेस दिखाया था आपको जिसमें मैं कहीं जा रही थी. सो हियर आई एम एट द पाम इन अ रिजॉर्ट कॉल्ड ज़बील सराय. मेरी फ्रेंड्स मुझे मेरी बर्थडे की ट्रीट देने के लिए यहाँ लाई हैं. मेरी बर्थडे वैसे नेक्स्ट वीक है, बट चूँकि हम वीकेंड पर आ सकते थे बच्चों को घर छोड़ के मियाओं के पास, तो वी आर हियर फॉर अ स्टेकेशन फॉर अ नाइट. इट्स अ लवली रिजॉर्ट. इट्स नेक्स्ट टू द वन आई वेंट टू लास्ट टाइम, अटलांटिस. बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, बहुत कंफर्टेबल है. अभी हमने खाना वगैरह नहीं खाया तो वो आपको मैं बाद में बताऊँगी कि हाउ इट वॉज, बट एट द मोमेंट हम लोग स्विमिंग पूल पे आए हुए हैं और साथ ही बीच है. यू गाइस कैन सी, आई शो यू फ्रॉम अदर एंगल. या ये बीच है. अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? इट्स अ ब्यूटिफुल बीच. दुबई का बीच है ही खूबसूरत, बट इसका व्यू आप देख लें, इट्स अ वेरी डिफरेंट व्यू फ्रॉम द वन दैट आई वॉज शोइंग यू लास्ट टाइम. बल्कि लास्ट टाइम अटलांटिस के व्यू में आपको मैंने ज़बील सराय देखा था और इस दफ़ा आप देखें अटलांटिस. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल व्यू. दुबई का समुंदर इज अनबिलीवेबल, बहुत ही खूबसूरत समुंदर है. यहाँ पर आपको डिफरेंट होटल वो भी नज़र आ रहे हैं और हमारे रूम्स का व्यू बहुत मज़े का. आई शो यू दैट व्यू टू नाइट, अगर रात ना हो गई, वरना कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह. दिस इज़ द रिजॉर्ट, इसका नाम है ज़बील सराय. ये भी बहुत बड़ा रिजॉर्ट है. इट्स ऑन द पाम ऑल्सो, दुबई में ही है ये, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे लाए हैं यहाँ पे मेरी बर्थडे की ट्रीट देने के लिए. I'm turning 40, तो हमने कहा 40 इकट्ठे celebrate करें. It's gonna be a lot of fun. ये जी हम लोग कोरोना के दिनों में स्टेकेशन कर रहे हैं, तो द मास्क हम लोगों ने उस दिन रात को जो मेरे बर्थडे का डिनर था वो किया एक रेस्टोरेंट कॉल्ड नफूरा. ये एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट था और लेबनीज़ रेस्टोरेंट के जो एपिटाइज़र्स होते हैं ना वो बहुत अमेजिंग होते हैं. तो दीज आर ऑल द एपिटाइज़र्स. मेन कोर्स की मैंने तस्वीर पहले ही लगा दी थी. दिस इज़ ऑल द फ्रेंड्स दैट वी ऑल वेंट एंड माई सिस्टर. और ये सारे जो हैं वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कैमरे से. द डिज़र्ट्स वर गुड टू. हालांकि उसके बाद हमने केक खाना था बर्थडे का. इट वॉज ब्यूटिफुल केक एंड टेस्टेड अमेजिंग. आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ द गर्ल जिसने ये केक बनाया था. शी डिड अ फैबुलस जॉब. बहुत ही मज़ेदार टेस्ट का केक था. जी फोटोशूट तो बनता ही था. उसके बाद हमने रात को मेरा फेवरेट मास्क जो बायोसेल्युलोस मास्क है बाय फॉरएवर लिविंग वो हम सब ने लगाया और हमने अपने फेशियल्स या जो भी अपनी पैम्परिंग की. पैम्परिंग के बाद हम लोगों ने बहुत ही मज़े से लेट कर, तो चुड़ैल्स ड्रामा है एक सीरीज़ है उसकी एक एपिसोड. उसके बाद जब हम सोने लगे तो मैंने जाके खिड़की से बाहर देखा तो व्यू इतना खूबसूरत था कि आई कुड नॉट हेल्प मेकिंग दिस वीडियो. बहुत ज़्यादा हसीन लगा मुझे, तो मैंने कहा रात के व्यू की भी आपके लिए वीडियो बनाऊं. सुबह तो दिखाऊंगी इंशाल्लाह, बट रात को भी आप लोग व्यू ज़रूर देखें और उसको मेरे साथ एंजॉय करें. रात की व्यू के साथ सेल्फी तो बनती थी. हे अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? दिस इज़ मारिया अथर. मैंने आपको कल रात को व्यू दिखाया था कमरे से. दिस इज़ द व्यू इन द मॉर्निंग टाइम. आई डोंट नो बाकी लोगों की फैसिनेशन विद द सी, बट मेरी बहुत ज़्यादा है. सो फॉर मी दिस कुड नॉट हैव बीन बेटर. इट्स अ हसीन व्यू विद JBR इन द बैकग्राउंड. और अभी थोड़ी देर पहले ये जो होते हैं क्या नाम है
यहाँ पे ना वो होती है स्काई डाइविंग, तो उसका प्लेन वॉज लैंडिंग, बट उस वक्त तक मैंने कैमरा रेडी नहीं किया हुआ था जिसकी वजह से आई कुडंट मेक द वीडियो. मैं अभी नाश्ते पे जा रही हूँ, वहाँ से आके आई विल सी इफ़ आई कैन कैच दैट लैंडिंग और टेक ऑफ एंड आई विल शो यू गाइस. मैं आपको दिखाती हूँ वो स्ट्रिप भी. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम, इट्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग, बहुत ही खूबसूरत व्यू है. समुंदर में एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, हालांकि काफ़ी गर्मी भी हो चुकी है. ये आपको पीछे अगर स्ट्रिप नज़र आ रही हो, ये छोटा सा ब्रिज सा नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इसके ऊपर से लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं स्काई डाइविंग वाले प्लेन्स. मेरी शक्ल इस वक्त दिखाने के काबिल नहीं है, तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रही, आपको अच्छा व्यू दिखा रही हूँ इस वक्त, बट बहुत ही खूबसूरत व्यू है. मेरी बहन जो पाकिस्तान में होती है, उसका भी यही फ़ोन आया था कि व्यू की तस्वीर खींचो. मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें रात को तो दिखा दिया, मैं तुम्हें दिन में भी दिखाऊंगी. तो तस्वीर तो अभी तक नहीं खींची मैंने, बट आई हैव कम आउट. एक्चुअली तो खिड़की का पर्दा हटाते ही ये व्यू है, सो इट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल. और हम लोग हैं भी बहुत ऊंचे फ्लोर पे, नहीं, वी आर ऑन द फोर्थ फ्लोर. अच्छा, उसके थोड़ी ही देर बाद मैंने वो जो प्लेन की मैं बात कर रही थी कि इट लैंड्स, तो उसकी लैंडिंग देखी और मैंने उसकी फ़ौरन से वीडियो बना ली. ये जो पैरा सेलिंग वाले लोग होते हैं, उनको आसमान में छोड़ के और आता है प्लेन. अभी आपको पैराशूट्स पे लोग भी नज़र आएंगे. ये काम मैं कोशिश भी करूँ ना तो शायद मुझसे कभी ना हो सके, हालांकि आई एम वेरी डेयर डेविल, लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन जंप फॉर अ प्लेन. दिस वॉज द ब्रेकफास्ट प्लेस, इट वॉज अ नाइस रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, आई फॉरगॉट द नेम, इट वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. ये सारा रेस्टोरेंट होटल जो है ये पुराने तर्ज पे बना हुआ है. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ज़बीर सराय दिखाऊंगी द होटल, तो मैं अभी आपको दिखाने आई हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ चेक इन का क्राउड बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड देन आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी गेस्ट इन माई वीडियो. आई जस्ट शो यू फ्रॉम द एंट्रेंस, इट्स अ ब्यूटिफुल 5-star रिजॉर्ट ऑन द पाम. ये इसकी एंट्रेंस है जिसका एक्चुअली व्यू मेरे रूम से नज़र आता है, एंड देन दिस इज़ द प्लेस. दुबई के रिजॉर्ट्स और होटल्स जो होते हैं, दे आर अ क्लास ऑफ देयर ओन. यहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल भी शूट हुई थी इस वाले होटल में. आई शो यू, टॉम क्रूज का सूट यहाँ लगा हुआ है. अगर किसी ने लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल देखी हो तो ये उसके ऊपर शूट हुई थी, ये उसका सीन है. और दिस इज़ द एंट्रेंस. आई होप आई एम नॉट मूविंग टू फास्ट कि आप लोगों को सिक फीलिंग हो रही हो, सॉरी. बहुत खूबसूरत है, आई लव द छत, आई कैन नॉट हैव इनफ ऑफ दिस. मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगहों पे छतें देखी हुई हैं, बट दिस इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, इतना हसीन है कि बस. फिर यूजली यहाँ पर एक बंदा लाइव म्यूज़िक कर रहा होता है, आई थिंक इज़ गोना बी हेयर शॉर्टली, अभी तो सुबह का टाइम है. तो अगर किसी ने मिशन इम्पॉसिबल देखी हो तो यू माइट रिमेंबर दिस फाउंटेन ऑल्सो, इसके अराउंड वो खवातीन डांस कर एवरीथिंग. ये इसकी लॉबीज़ हैं जिनके अंदर आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, स्पास भी मिलेंगे, शॉप्स भी मिलेंगे. दिस इज़ ज़बीर सराय रिजॉर्ट, एंड इस साइड पर हमारे रूम्स का व्यू है, मतलब हमारे रूम्स यहाँ पर, इस वाली लॉबी से हम ऊपर जाते हैं. फोर्थ फ्लोर पर मेरा रूम है. थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो अब यहाँ पे हमने आज हाई टी करने का हमारा प्लान है. दे आर अमेजिंग पीपल इन द रिजॉर्ट. हमने उनसे कहा लेट चेकआउट का, तो दे गेव अस चेकआउट टिल 6, जो कि इज़ अनबिलीवेबल. तो वी विल बी चेकिंग आउट लेट, तो आज हम हाई टी भी करेंगे इसमें. अब मैं आपको दिखाती हूँ पूल का व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है. कल हम यहाँ रात को बैठे हुए थे, कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे. ये इनका पूल का व्यू है, इट्स एन इन्फिनिटी पूल, और आगे आपको समुंदर नज़र आ रहा है. इस वक्त तो पूल पे काफ़ी धूप है, तो हम लोग इंडोर पूल चले जाएंगे. इंडोर पूल भी है इनका. कल मैंने आपको बीच से दिखाया था ये ऑलरेडी, अभी मेरा बिल्कुल ना हिम्मत है ना ही मेरा कोई प्लान है वहाँ जाने का, इट्स टू हॉट. दिस इज़ ज़बील सराय, दिस इज़ अ रिजॉर्ट ऑन द पाम, ज़बील सराय. ये इनके फाउंटेन्स हैं जो इस वक्त इन्होंने बंद किए हैं, एंड दिस इज़ द पूल एरिया इनका ये. और कल हमने ये वाली जगह यूज़ की थी, इट वाज इवनिंग, मौसम बहुत बेहतर हो चुका है अब.
पहले से, मतलब ह्यूमिडिटी वगैरह बहुत कम है, वरना तो इस वक्त इतनी देर में भी बंदे की सांस रुकती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे इसको क्या हुआ है कैमरे की सेटिंग को, या सो आई वांटेड टू शो यू द रिजॉर्ट, कि आप ये वाली रिजॉर्ट भी देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा। येस आई एम नॉट रिप्लाइंग ऑन व्हाट्सएप और एनी थिंग बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम ऑन लीव। सो यस, ये देखें, सो ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर, थैंक यू सो मच हु आर विशिंग मी, जजाकल्ला। मेरी बर्थडे अभी, बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स के साथ, एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है, तो यू नो दैट इज़ अनबिलीवेबल। अगर आपको खैर बाहर नज़र नहीं आ रहा होगा, वरना सामने भी बिल्कुल समुंदर नज़र आ रहा है। तो पाम के होटल्स का मज़े की बात यही है कि जिस भी आप साइड पर रह रहे हो, आपका व्यू जो है वो बीच का ही होता है। सो दिस इज़ द लॉबी टू माई रूम। मैंने अपना रूम उनसे दोबारा बनवाया था, क्योंकि मैंने कहा को रूम की भी मैं वीडियो दिखाऊंगी इंशाल्लाह, बिकॉज द रूम साइज एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड रूम व्यू इज़। तो ये देखें जी, एक एक इनकी लॉबी जो है ना वो देखने के काबिल है, इट्स ब्यूटिफुली मेड, हर चीज़ जो है ना एक हसीन तरीके से बनी हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हों जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बिकॉज आई ट्राई टू शो यू डिफरेंट थिंग्स जो आप लोग पाकिस्तान में बैठ के नहीं देख सकते। ये हमारा जो है ना रूम्स का कॉरिडोर है, ये जबील सराय दुबई में रिजॉर्ट है, ये पता नहीं क्या है, ये सिटिंग थर्ड फ्लोर पे बनी हुई है। ये हमारे रूम की लॉबी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, या इट्स वेरी वेरी प्रिटी, बिल्कुल ही डिफरेंट आर्किटेक्चर है। मैं लास्ट टाइम जब गई थी एक और जगह पे, वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो बहुत मॉडर्न था, दिस इज़ वेरी यू नो क्लासिक, तो इसलिए दोनों बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अब आई हैव नो आइडिया कि कमरे में उन्होंने क्लीन किया है कि नहीं, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहाँ हैं, सो लेट मी सी इफ आई कैन शो यू द रूम। सा कैन यू ओपन द डोर, मेरे मुंह की तरफ, अभी तुम रूम क्लीन कर दिया उन्होंने, हाँ अच्छा चलो लेट मी शो यू द रूम, दिस इज़ द रूम। अब आपको कुछ गंद भरा नज़र आए तो प्लीज़ आप उसे माइंड ना कीजिएगा। बाथरूम भी बहुत खूबसूरत है। एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ आपको बाथरूम की, कि कल जब मैं आई तो मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड मेरी बहन सामने खड़ी हुई थी, मैंने कहा ओ माय गॉड, देन आई पुट द शटर्स डाउन। लेकिन या इट्स ब्यूटिफुल बाथरूम है, ये आप ज़रा इसकी वो देखें फिनिशिंग्स वगैरह। अब तो मैं खैर मास्क उतार सकती हूँ। ओ रियली पाकीज़ा, यस माइन इज़ ऑल्सो इट। ये देखें, ये हमारा रूम है, कनेक्टिंग डोर्स हैं, दूसरे में मैं नहीं जाऊँगी वरना वो मुझे बहुत जूते मारेंगी मेरी फ्रेंड्स। शुक्र है कि रूम साफ़ है, वरना मैं थोड़ी सारा एम्बेरस हो जाती। और ये है वो व्यू जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, कि इतना ब्रेथ टेकिंग व्यू है कि यू कैन नेवर हैव इनफ ऑफ इट, दिल ही खुश हो जाता है। ये वो एंट्रेंस है जो मैं आपको लॉबी से दिखा रही थी ना, इससे आप वॉक करके फिर अंदर जाते हैं, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द होटल। जहाँ तक नज़र आए, ये जो बीच में पैच बना हुआ है ना, इसके साथ स्पा, इसके ऑल अराउंड, तो आपको स्पा से ये ग्रीनरी का व्यू आता है, इट्स ब्यूटिफुल ऑल्सो, बड़ा ही वेल थॉट ऑफ एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। वी आर इन तलीसी स्पा नाउ, ये उनकी जकूजी है, दो तीन जकूजीज हैं वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, ये उनमें से एक छोटी वाली जकूजी है। ये इनका सॉल्ट वाटर पूल था जो इंडोर था, इसमें थोड़ी सी स्विमिंग की हम लोगों ने, वहाँ वीडियो बनाना इतना अलाउड नहीं था, बट आई वॉज द ओनली वन। ये उनकी बिग जकूजी है, ओ माय गॉड इट वाज सो रिलैक्सिंग एंड सो ब्यूटीफुल कि बंदे का दिल खुश हो जाता है, बट द वाटर वॉज सो हॉट के 5-7 मिनट से ज़्यादा आप नहीं रह सकते थे उसमें। Then we got ready and went for high tea in Sultan Lounge. उनकी high tea was मशहूर, तो हमने कहा ज़रूर try करें। एक एक जो उनकी delicacy थी ना, वो इतनी खूबसूरती से सजाई गई थी और बनाई गई थी कि उसके लिए आपको सुबह से reservation करानी पड़ती है, वरना वो नहीं देते। बल्कि हमें इस reservation के लिए एक थोड़े से strings pull करने पड़े, हमने एक उनके एंट्रेंस पे रिजर्वेशन पे एक बंदा था आफान नाम का, ही वाज रियली हेल्पफुल, उससे बात करके और हमने ये बुक कराया। और ये स्ट्रॉबेरी वाज माय फेवरेट थिंग, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड वाज फुल ऑफ चॉकलेट। बाकी इसमें स्वीट थिंग्स भी थी, सेवरी भी थी, स्वीट ज़्यादा थी, नमकीन थोड़ी कम थी, बट दे वर अमेजिंग।
देन आई मेड अ फ्यू पिक्चर्स. बहुत ही मज़ा आया इस ट्रिप में, बहुत इन्जॉय किया मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ. इट कुड नॉट हैव बीन बेटर अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड शो देम व्हाट रिजॉर्ट्स इन दुबई लुक लाइक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल.